निशा डेल्फी पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं स की छात्रा प्रतिवर्ष में आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में अलग अलग रूप में मनाया जाता है, खास करके गुजरात और बंगाल में। बंगाल में दुर्गा पूजन के रूप से और गुजरात में गरबा और डांडिया खेलकर। आज हम बात करेंगे नवरात्र के धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक कारणों के बारे में। मान्यता यह है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त किया था, किंतु महिषासुर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग गया। इस सबसे क्रोधित होकर सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा, किंतु अंततः महिषासुर का वध हुआ। इसलिए नवरात्र में माँ दुर्गा के शक्ति स्वरूप की पूजा की जाती है। दूसरी मान्यता यह है कि भगवान राम ने रावण को मारने के लिए 9 दिनों तक माता की स्तुति की थी और आह्वान किया था। उन्होंने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का संचयन कर 10वें दिन रावण पर विजय हासिल की। इसलिए तब से दशहरा के पहले 9 दिन माता को समर्पित किए जाते हैं और शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं। यदि हम इस त्यौहार को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो दोनों नवरात्र ऋतु संधिकाल में आते हैं, यानी वह समय जब 2 ऋतुओं का समागम होता है। ऐसे में शरीर का वात, पित्त व कफ का समायोजन घट या बढ़ जाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में इस तंत्र को वापस मजबूत करने के लिए 9 दिनों तक देवी का पूजन व व्रत कर अनुशासन युक्त जीवन जीने से शरीर की आंतरिक सफाई हो जाती है। ध्यान से मन शुद्ध होता है और हवन से वातावरण की शुद्धि होती है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान की बढ़ोतरी के साथ साथ विचारों में भी पवित्रता आती है। माँ 9 दिनों तक अपने भक्तों के घर आती है। ऐसे में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है, क्योंकि माँ स्वच्छता की ओर ही अपने कदम बढ़ाती है। जहाँ माँ के कदम धरती चूमती है, वहाँ खुशहाली आती है। दरिद्रता के लिए कोई स्थान नहीं बचता। अब हम बात करते हैं सामाजिक कारणों के बारे में। भारत के पुरुष प्रधान समाज की शेष आधी आबादी का महत्व बताने का त्यौहार होता है कन्या पूजन। उन्हें उनके मन प्रसन्न त्यौहार देने के पीछे नारी शक्ति का ही वंदन है, अभिनंदन है। हमें सत्य को अपनाना है, नारी के बिना यह सृष्टि अधूरी है। इसी के साथ आप सभी को पुनः शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे प्रथम नवरात्रि की इस वर्तमान प्रासंगिकता के साथ। तब तक के लिए जोर से बोलो जय माता दी। धन्यवाद।